स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एडवोकेट एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल लाइन स्थित एक निजी क्लब में स्मृति व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर तथा स्वर्गीय नागेंद्र नाथ जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि बाबूजी सबसे वरिष्ठ व जानकार विधायक रहे, या लोगों को प्यार से समझाते थे, उनके अंदर आत्मिकता का भाव होता था। उन्होंने कहा कि एक रूपता से राष्ट्रीय एकता को भारत पुरातन काल में विविधता को स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि नागेंद्र नाथ सिंह एक बहुत बड़े कानूनविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी, शिक्षावादी थे। इस अवसर पर पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, डॉक्टर पी के राय, आर बी सिंह, निर्मल सिंह, शीतल पांडे, स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह के सुपुत्र समाज सेवी राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रामजस ने कहा, श्री राजेश जी से जरूर है कि अतिथि हम लोग उनका सिंह कराने में सहयोग राज्यपाल महोदय का आगमन हो गया है। मनीष प्रताप शुक्ल जी आप भी मंच पे आए। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को जागरूक किया और एक जनजी का गठन हो, लोग एक दूसरे से प्यार करें, भाईचारा रहे। अपने अंदर आदमी है वो खाली स्थान पर बैठे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने पुष्पांजलि की। ये बच्चे जो वापस जा रहे हैं वो वापस आ जाए। हमारे बीच जो हमारे अतिथिगण यहाँ मंच पे है, खासतौर से हमारे डॉक्टर पी के राय साहब को हम आमंत्रित करते हैं। सर डॉक्टर साहब प्लीज। यादवेंद्र शिवनाथ, विश्वजीत तिवारी और अजय राय। डॉक्टर पी के राय साहब के लिए इस देश में करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि को इस देश को समझाने वाले हमें सौभाग्य है कि हमारे युवा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आज खुल गए। आज ये हमारे सौभाग्य की बात है कि महामहिम आज जो अलग जगा रहे हैं
आज उसकी आवश्यकता है। इसको समाज सेवा ही आपका धर्म रहा है। राजेश भी आप भी आइए, आप भी आइए। स्वयं सम्मानित महसूस कर रहा है, एक बार फिर से तालियां आपका बजा दीजिए। गांधी जी साहित्य सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए आज इस मंच पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा तालियों से एक बार बहुत सारे लोग उस समय गुलदस्ता नीचे कर दिए, छिप रहा है ना। और अब रणजय सिंह एडवोकेट को हम आमंत्रित करने के लिए वह मंच पर आया है। रणजय सिंह एडवोकेट को सम्मान सामने श्री राम आश्रय यादव जी नीचे कर लीजिए। श्री श्याम जी त्रिपाठी श्री श्याम जी त्रिपाठी पत्रकारिता के क्षेत्र में इधर सामने देखिए मंत्री लाइन मुझे अपना सवाल और अपना मोमेंटो रखने मीडिया के साथ हूँ प्लीज। और पीछे मसाला चला गया, मसाला धक्का न दो यार, धक्का न दो क्या पीछे आओ भाषा की विविधता हो सकती है, वेश की विविधता हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो वही स्थिति होती है जैसे हम सभी लोग खड़े हो गए हैं जो ही जन गण मन अधिनाय शुरू हुआ है। वैसे तो प्रोटोकॉल में है कि महामहिम राज्यपाल जब आएंगे तो भी राष्ट्रगान होगा, जब कार्यक्रम के उपरांत निकलेंगे तब भी राष्ट्रगान होगा, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी भारत की यही विशेषता है कि विभिन्न भाषा संस्कृति विचार इसके रहने के बावजूद भी हम एक हैं। और इसका इधर के क्षणों में अगर हम विचार करें तो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन हुआ, तो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन हुआ
इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता है। न तो किसी को किसी की भाषा समझ आती थी, अगर वो केरल का होता था, वो तमिलनाडु का होता था, तब तो प्रांतों की स्थिति नहीं, बहुत नहीं थी, कहीं संयुक्त प्रांत था, कहीं कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में एक बात थी कि हमें इस देश को स्वतंत्र कराना है। राजनेता थे, आपने मौका दिया कि मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकूं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं उनकी स्मृति में। और मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूं, एक ये अपने निजी अनुभव से कहता हूं कि नौजवान होने के कारण उत्सुकतावश, थोड़ा आवेशवश आप अगर कोई ऐसी बात भी कहते, मैं कम से कम अपने बारे में कह रहा हूं, जो तथ्यों पर आधारित नहीं थी या जो उचित नहीं थी, तो वो उनकी एक खास खूबी थी कि वो तुरंत बात को काटने की बजाय वह प्यार से समझाते थे कि बेटा थोड़ा और पढ़िए। और मुझे ऐसे लोगों के पास बैठने का बहुत शौक था, जो जिनकी छवि ये थी लखनऊ में कि ये बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले लोग। बाबू शिव मंगल सिंह जी होते थे बनिया से, जमुना दास घोष जी, घोष जी किसी काम से नहीं, अपने सत्य प्रकाश मालवीय जी थे, एक वो जो एक बौद्धिक स्तर पे जब आप किसी के साथ बातचीत करिए और आप सीखने की दृष्टि से जाइए, तो उसके कारण जो एक आत्मीयता का भाव आता है। और भी कुछ लोग थे, लेकिन ये मैं मुख्य नाम बता रहा हूं। तो ये मुझे सच में नहीं पता था, जिस वक्त मैंने जब मुझे बताया गया कि उनकी स्मृति में ये सभा है, ये तो मुझे बात को पता चला कि राजेश जी उनके सुपुत्र हैं। तो भाई राजेश जी बहुत धन्यवाद, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि जिस आदमी से मैंने बहुत सीखा, मैंने आपसे कहा मैं तो बिल्कुल मुझे असेंबली गेट से लेके और जो विधानसभा का कक्ष है वहां तक, पुलिस वाले पहले मुझे गेट पे रोकते थे, फिर मुझे कक्ष में घुसने से रोकते थे। वो समझते थे कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट असेंबली में घुसने की कोशिश कर रहा है। मेरी आदत बन गई अपना आइडेंटिटी कार्ड जेब में रखने की, और फिर मैं उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखाता था तो वो बेचारे से रोक करते। इतनी हिम्मत थी मेरी, इतना तजर्बा था, एक तरह से कहिए बिल्कुल कुछ आता ही नहीं था, हाँ थोड़ा पकने का शौक था और उनके पास बैठने का शौक था, जिनके बारे में पता चलता है कि ये पढ़ते लिखते हैं। ये हमें उनके पास देने को कुछ था और हम लेना चाहते थे। मेरा नाम रामयश है। स्वर्गीय नागेंद्रनाथ सिंह की ये 10वीं पुण्यतिथि पर ये आयोजन हुआ था, जिसमें जिसके मुख्य अतिथि केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान और इसकी अध्यक्षता शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया। प्रतिवर्ष यहाँ पर पुण्यतिथि के अवसर पर कोई न कोई सब्जेक्ट चुना जाता है जिस पर व्याख्यान होता है, और लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है। उसी क्रम में गवर्नर साहब भी आए थे और उन्होंने भारत में विविधता
में एकता की विषय पर ये पूरा व्याख्यान चला और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उसमें हम लोग भी उनके राजेश सिंह जो उनके लड़के हैं हर वर्ष वही आयोजन करते हैं और हम उनके मित्र मंडली में हम लोग इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करते हैं। नागेंद्र नाथ सिंह एक बहुत बड़े कानूनविद थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, समाज सेवी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश की बहुत सेवा किया था, इसलिए हम लोग उनको हर साल याद करते हैं।